नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। भारत की राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज क्या है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो संभावना है कि आप जवाब में हिंदी कहेंगे, है ना? लेकिन इस पॉपुलर बिलीफ, इस लोकप्रिय धारणा के बिल्कुल विपरीत ये बात सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल यानी आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनका उपयोग सरकार द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों का यानी ऑफिशियल पर्पसेस का निर्वहन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि संसदीय बातचीत। और संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान ये भी कहता है कि राज्य अपनी आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद ही अपने हिसाब से चुन सकता है। देखिए, हिंदी से 44% भारत की आबादी बोलती है और बाकी की जो बची आबादी है वो 120 अन्य भाषाओं का प्रयोग करती है। अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाली एक या एक से अधिक भाषाओं को अपना सकता है या खुद हिंदी को भी अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर अपना सकता है। कुछ महीनों पहले ट्विटर पर एक बहस छिड़ी थी एक हिंदी फिल्म अभिनेता और एक कन्नड़ा फिल्म अभिनेता के बीच में कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं। लेकिन ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 70 साल से इस बात पर विवाद हमारे देश में लगातार चला आ रहा है। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा होती है जो सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल करी जाती है, और राष्ट्रभाषा इस तरह उससे अलग होती है कि उसका प्रयोग सामाजिक उपयोग में भी होता है। और हमारे संविधान में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं दी गई है। जैसा कि आपको पहले बताया, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच इस संदर्भ में प्रावधान मौजूद हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी देश की अधिकारी भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। शुरुआत में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत चला करती थी तो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी अधिकारी भाषाएं हुआ करती थी। भारत में अंग्रेजों का मानना था कि भारतीयों को अगर अंग्रेजी आ जाएगी, वो लिखना पढ़ना अंग्रेजी में सीख जाएंगे, तो सस्ते में पढ़े लिखे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे जो उनकी हुकूमत को आगे भारत में लेके जाएंगे और उनके व्यवसाय में मदद करेंगे। लेकिन इसके बाद ये देखा गया कि सिर्फ बड़े बड़े घरानों में ही अंग्रेजी बोली जाती थी, तो उस वक्त एक वर्ग को लगता था कि भारत में हिंदी का प्रचार होना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और एक वर्ग को लगता था कि उर्दू को आगे बढ़ाना चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए। तब महात्मा गांधी ने यह कहा था कि क्यों ना हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के शब्द प्रचलित हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, उसका प्रचार किया जाए। और आज के समय में भी कुछ संगठन हैं जो इस बात का निर्वहन करते हैं और उस भाषा को आगे बढ़ाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज अधिनियम 1963 उन भाषाओं को प्रदान करता है जिनका उपयोग भारत के संघ यानी यूनियन के आधिकारिक यानी ऑफिशियल उद्देश्यों के लिए और संसद में और केंद्रीय और राज्य सरकार के कामों में किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में बोली जाने वाली 22 भाषा इस वक्त आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड या पंजीकृत हैं, जो हैं आसामीज, गुजराती, बंगाली, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़ा, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बोडो, उर्दू, सिंधी, संतली, मराठी और डोगरी। यहाँ तक कि तकरीबन 30 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 8वें शेड्यूल में डालने की, ऐड करने की मांग करी जा रही है। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो इसने भारतीय संसद को अंग्रेजी का उपयोग करने की अनुमति दी थी। कुछ वर्षों के बाद 1964 में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय लेने की बात चली और उसका निर्णय लिया गया, तो सरकार को उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जो हिंदी नहीं बोलते थे। यही कारण था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को राजभाषा, दोनों को आधिकारिक भाषा माना गया। यहाँ तक कि कुछ ही वर्षों पहले एक नेता ने भी ये कहा था कि हमें अपने भाषण में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मानना चाहिए, अपनाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसके बाद कई हैशटैग आ गए सोशल मीडिया पे और कई विवाद छिड़ने लगे स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन के नाम से, जो ये वर्ग कह रहा था कि जिन्हें हिंदी नहीं आती उनके ऊपर हिंदी को लादना बंद कर दिया जाए, उनसे ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश नहीं करी जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।